हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्लास ट्वेल्थ हिंदी विषय दूसरा लेसन नमक का दारोगा, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रकार है कहानी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म ईस्वी सन 1880 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। यानी मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट एक लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए उन्होंने एक स्कूल के अध्यापक की नौकरी की। बाद में वो इंस्पेक्टर का पद भी प्राप्त हुआ। कुछ समय तक काशी के काश विद्यापीठ में वो अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्य पत्र संपादन किए गए, उसमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के साथ उच्च आदर्श की रक्षा का प्रयत्न किया है। मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गोदान उपन्यास है वो उनका बहुत प्रसिद्ध है। निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ये कहानी के अंदर तत्कालीन समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है, सरकारी महकम में जो व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार हमें प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलता है, तत्कालीन समाज के अंदर जो लोग व्यक्ति अमीर है या गरीब है वो देखता नहीं है, और बेफाम उनके पास से जितना लूटा जाए इतना लूट लेते हैं। रिश्वतखोरी, टूक में मैं कहूँ तो रिश्वतखोरी की भावना का एक बात यहाँ बताई हुई है। यहाँ एक तरफ सदा लक्ष्मी जी पर विश्वास रखने वाले अपने पैसे के बल से लोगों को डराना, धमकाना, अपने पैसे के बल से कोई भी काम करवाना, ऐसा गांव का बड़ा व्यक्ति पंडित आलोकदीन है। दूसरी तरफ अपनी ईमानदारी को न बेचने वाले निष्ठा प्रामाणिक व्यक्ति बंसीधर है, जो नमक के दारोगा के रूप में नियुक्त हुए हैं। पिताजी ने बंसीधर को सीख दी थी कि बेटा ऐसा काम करना कि उपली आय बहते हुए स्रोत की तरह है, उनको कभी मना नहीं करना। तुम इतना ईमानदार बन के नहीं रहना, जो मासिक पगार है वो तो सिर्फ पूनम के चांद की तरह होता है, महीने में एक ही बार दिखता है। उपली आय कभी भी मिलती है, कभी भी ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ बेटा जो अभी अभी नवयुवान है, अभी अभी उनको लैला मजनू जैसी कहानियाँ पढ़ने का समय है, फिर भी वो अपनी प्रामाणिकता, अपनी ईमानदारी बेचता नहीं है और एक निष्ठावान दारोगा बन के रहता है। उन्होंने जो काम यहाँ किया है वो सराहनीय है। आखिर हम कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी के सामने सब हार जाते हैं। यानी मैंने कहीं सुना है कि बेईमान व्यक्ति भी यह सोचता है कि मुझे ईमानदार व्यक्ति मिलना चाहिए, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं वो ईमानदार होना चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आखिर पंडित आलोपदीन बंसीधरी के ईमानदार से प्रभावित होकर उन्होंने साई मैनेजर के रूप में अपने घर पे रख लेते हैं। उनकी बात यहाँ बताई गई है तो मैं पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना। जब नमन का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का विरोध हो गया, निषेध हो गया सॉरी, तो लोग चोरी छिपे उसके व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई गुस्से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर थे। पटवारी गिरी सर्वसम्मत पर छोड़कर लोग इस विभाग की बकर दानजी करते थे।
इसके दारोगा पद के लिए वकीलों का पीछी ललचाता था। यानी जब जो भगवान से प्राप्त हुई है उसी वस्तु का निषेध कर दिया व्यापार करना, तब व्यापारी जो थे वो छिप छिप के ये जो नमक का जो व्यापार है वो करने लगे। कोई छल कपट से करता था, कोई प्रपंच से करता था, कोई घूस दे के करता था, कोई चालाकी से करता था। यानी अधिकारी के पौ बाहर होना, पौ बाहर यानी सब तरफ से लाभ ही लाभ होना, यानी अधिकारियों को बहुत सारा लाभ होता था उसी समय। आज देखा जाए तो गुजरात में पटवारी मीन्स तलाटी की नौकरी जो होती है उसमें बहुत फायदा होता है, तो लोग उसी समय ये पटवारी की नौकरी भी छोड़ के इस नमक के दारोगा बनने के लिए, नमक में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। यहाँ तक के वकील जो थे वो वकील का भी मन ललचाता था कि मैं भी इस नौकरी को छोड़ दूँ और नमक के विभाग में काम कर लूँ। यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझने लगे थे, फारसी का प्राबल्य था। यानी ये समय था, ईसाई और अंग्रेजी एक ही है, फारसी को हमें सीखना है। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार के काव्य पढ़कर फारसींदा लोग सर्वोच्च पद नियुक्त हो जाया करते थे। यानी उसी समय ये जो प्रेम कहानियां पढ़ के लोग ऊपर के सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेते थे। मुंशी बंशीधर भी जू लेखा की विराह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका आविष्कार अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले थे। यानी ये समय जो था, जो मुंशी बंशीधर जो थे वह नील और नल की जो लड़ाई, मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत, अमेरिका ने कैसे कैसे आविष्कार किए, उनका रोजगार में यानी अपने नौकरी की तलाश में थे। उसके पिताजी अनुभवी पुरुष थे, उनके पिताजी अब अपने बेटे को कैसे सीख देते हैं वो बात अब आगे हम देखेंगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझे से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगार का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, मत यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, ऐसे काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मास के चांद की तरह है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी उम्मीद वृद्धि नहीं होती है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे अपनी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। गरज वाले आदमी को साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ होता है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निकाहों में बांध लो, यह मेरी जन्म की भर की कमाई है। यानी पिताजी अपने बेटे को सीख देते हैं, कहते हैं कि बेटा अगर तुमको जब नौकरी मिले तो देख लेना, ऊपरी जो आय होती है वो ऊपरी आय महत्व की होती है, आपका जो पेमेंट है सैलरी है वो सैलरी कैसे पूर्ण चंद्रमा की तरह है, वो सिर्फ पूनम के दिन ही दिखाई देते हैं, धीरे धीरे फिर लुप्त हो जाती है, लेकिन जो ऊपरी आय होती है वो पानी के स्रोत की तरह है, पानी जिस तरह से निकलता है तो हर रोज़ निकलता ही रहता है, ऐसे निकलता है वो मिलता ही रहता है। गरजवान जो व्यक्ति है वो गरजवान व्यक्ति के पास से पैसे कैसे निकाल लेना वो तुम जानते होंगे, उससे ज़्यादा पैसा लेना यही सीख लेते हैं, लेकिन जिनको गरज नहीं है उनके सोच समझ के काम कर लेना। वो बताते हैं कि लड़कियाँ कैसी होती है, घास फूस की तरह होती है, वो जल्दी बढ़ जाती है, और वो तो अपने आप को बताते हैं कि मैं तो कगार का वृक्ष है, यानी मृत्यु की नज़दीक मेरा आ रहा है, मौत कब हो जाएगी मालूम नहीं। घर की जो सारी जिम्मेदारी है
वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है, इसलिए तुम ये काम करना कि अगर तुझे रिश्वत मिले तो ले लेना। कहने का मतलब पिताजी का यह है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथप्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए, महाजन लोग कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा तल लहलहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यानी उन्होंने पिताजी का उपदेश लिया, आशीर्वाद लिया। बंसीधर एक अच्छे आज्ञाकारी सुपुत्र थे। उन्होंने पिता की बात सुनी अनसुनी की और घर से निकल जाते हैं। उनके पास उनके साथी कौन थे? तो सबसे पहला उनका साथी धैर्य था, जो मित्र की तरह था। दूसरी थी उनकी बुद्धि थी, वो एक रास्ता था। और तीसरा एक आत्मबल था, जो उनका सहायक था, मदद करने वाला था। अच्छे सुकून में शायद वो चले हैं, इसीलिए जाते ही उनको एक अच्छे विभाग के अंदर नौकरी मिल गई। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, मतलब बहुत खुश हो जाता है। वो जो लोग थे जो उनको हर हमेश कटु शब्द बोलते थे, वो बहुत शांत हो गए। पड़ोसी के हृदय के अंदर सुल भोंकने लगे और पिताजी फूले न समाए, मतलब बहुत प्रसन्न हो गए। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इसी समय में कि उन्होंने अपना कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हारों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में गोड़े बड़े हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़िया की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? अब झाड़े के यानी सर्दी के यानी विंटर के दिन थे, सॉरी रात थी। सिपाही जो थे वो मदिरे के नशे में मस्त होके सो गए थे। यानी बंसीधर अभी ही आए थे, 6 महीने ही हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन अपने कार्य से, कुशलता से, उत्तम आचरण से वहाँ के जो बड़े लोग थे, वो बड़े लोगों को ऐसे मोहित कर लिया था, ऐसे आकर्षित कर लिया था कि सारे अफसर उनके ऊपर बहुत विश्वास करने लगे थे। यानी नमक के जो विभाग था, वहाँ से एक जमुना नदी बहती थी, वहाँ एक पुल बनाया था लकड़ी का। उनके सारे लोग जब नींद से सो रहे थे, अचानक बंसीधर की आँख खुलती है। अचानक नदी के पानी के प्रवाह की जगह से उन्होंने बैलगाड़ी के आवाज़ सुनी। तुरंत उन्होंने सोचा कि कुछ गोलमाल है। उनको जो अनुमान लगाया वो साबित भी कर लिया कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि रात को बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है पुल पर से। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहन ली, तमंचा जेब में रख लिया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँच जाता है और डांट के पूछते हैं कि गाड़ियाँ किसकी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाना, मतलब शांत हो जाना। आदमियों ने कुछ कानफूसी यानी एक दूसरे से
कान में कुछ कहने लगे। पंडित आलोकदीन की, यानी उन्होंने बताया कि गाड़ी जो है वो पंडित आलोकदीन। कौन पंडित आलोकदीन? बंसीधर पूछते हैं, दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। पंडित आलोकदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, यानी मुंशी बंसीधर जो है वो चौक जाते हैं, वो तो बहुत प्रतिष्ठित फेमस जमींदार यानी जमीन के मालिक है, वाले लोग हैं, लाखों रुपये का लेन देन करते हैं। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी नहीं थे? मतलब बड़े से बड़े व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति उनके कर्जदार थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजो आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते थे तो उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। यानी पंडित आलोकदीन कैसे व्यक्ति थे उनकी बात बताइए। यहाँ प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपये की लेन देन करते थे, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग उनके घर से पैसा ले जाते थे, लंबा चौड़ा उनका व्यापार चलता था। उनके पुरजे भी बड़े पुरजे यानी जो पूर्वज थे वो भी बड़े आदमी थे। इसी इलाके में अंग्रेज लोग जब शिकार करने के लिए आते थे तब उनके मेहमान बनते थे। हमेशा उनके घर पे खाना, सदाव्रत मीन्स खाना, जो भी भूखे व्यक्ति हो वो आएंगे और खा के चले जाएंगे, ऐसे सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। यानी मुंशी जी पूछते हैं, बंसीधर पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ जाएगी, तो बताया कानपुर। बोले उसमें क्या है, तो सब चुप हो गए। दारोगा जी साहब का संदेश और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? यानी थोड़ी देर के बाद दारोगा दोबारा पूछते हैं, क्या भाई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, क्या आप गूंगे हो, क्या उसमें सामान क्या है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्हें घोड़े की गाड़ी से मिलाकर बोरे को टंटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। यानी तीसरी बार जब पूछते हैं फिर भी जब जवाब नहीं मिलता है तो खुद बंसीधर घोड़े को इस गाड़ियों के पास ले जाते हैं और देखते हैं, तो उन्होंने देखा चौंक गए, अरे ये तो नमक का ढेले है क्या? पंडित आलोकदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा जी ने गाड़िया को रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। यानी पंडित आलोकदीन जो थे वो तो अपने सजीले मस्त अच्छे रथ पर आ रहे थे, कभी सो जाते थे कभी जागते थे, लेकिन वापस गाड़ीवान को आते हुए देखा और उन्होंने बताया कि महाराज दारोगा जी है, उन्होंने गाड़ी आपकी रोक दी है और आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोकदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नाचती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़ी लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ी रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यानी पंडित आलोकदीन सोचते थे कि लक्ष्मी जी का राज सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है लेकिन पृथ्वी पर है। न्याय व नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, लक्ष्मी जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो न्याय और नीति चली जाती है। लेटे लेटे ऐसे गर्व से बोले कि चलो हम आते हैं, और फिर बड़ी निश्चिंतता से उन्होंने पान और बीड़ी यानी पान खाया, और फिर एक ऐसे लिफाफे ओढ़ते हुए आकर बोलते हैं, बाबूजी आशीर्वाद है, ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि आपने गाड़ी रोक ली? यानी पंडित जी का पर तो हमेशा ही आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए क्या? बंसीधर रुखवाई से बोले, सरकारी हुक्म, यानी सरकार का जो हुक्म है ऑर्डर है वही। पंडित आलोकदीन ने हंस कर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है,
हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो नहीं सकता कि इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर, ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा, ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते रह फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हो, सवेरे आपका कायदे के अनुसार चलान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बडलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। यानी पंडित आलोपदीन, वो हंस के बोलते हैं कि सरकार क्या है, सरकार का हुक्म क्या है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो आपको जानता हूँ, आप सरकार है, आपका हुक्म हमारे सर्वमान्य है। बोले कि आप तो व्यर्थ का कष्ट उठाया, मैं ही आपके पास आ जाता। अगर आप यहाँ मंदिर के देवता हो और देवता को भेंट न चढ़ाए, ऐसा कभी हो सकता हूँ? मैं तो आपका भक्त हूँ, आपको चढ़ावा देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आ रहा था। लेकिन ऐसी बातों पर जो पंडित आलोपदीन ने बताई, लेकिन मुंशी वंशीधर पर ऐसी बातों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अभी अभी जो वंशीधर ईमानदारी की चादर ओढ़ के आए थे, उन्होंने कड़क शब्द में बोल दिया कि ऐसे नमक हराम में मैं नहीं हूँ, नमक हराम वाला मैं नहीं हूँ। जो अपने कौड़ियों पर अपना जो ईमान बेच देते हैं और बेईमानी का चादर ओढ़ लेते हैं, उन्होंने कड़क शब्द में बोला कि बडलू सिंह, उनको हिरासत में ले लो, सुबह में उनके ऊपर कायदे लगाए जाएंगे, उनके पर केस होगा, और उनके बाद जो उनको जुर्माना लगेगा वही जुर्माना देके फिर यहाँ से जाएगा। पंडित आलोपदीन स्तंभित हो गए, मतलब पंडित आलोपदीन अब एकदम चौंक गए, गाड़ीवान में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। बडलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निराधार करके कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उड्डन लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धुन में मिल जाएगी। हमारा अपमान करके आपका क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। यानी पंडित आलोपदीन एकदम चौंक जाते हैं। यानी पंडित आलोपदीन के जीवन के अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहला ही प्रसंग होगा जो आज किसी ने हिरासत में लिया है। वो फिर पंडित जी धर्म और धन आज एकदम निराधार हो गया है। वो सोचने लगे कि अभी अभी उनकी नौकरी लगी है, वो उड्डन लड़का है, अभी तक वो मोह माया में फंसा नहीं है, अभी तक उन्होंने रिश्वत नहीं ली है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब पंडित आलोपदीन ने अपना एक गरीब भाई का नया रूप दिखाया और बोले कि बाबू साहब, अगर आप हमारी गाड़ियां रोक दोगे तो हम मिट जाएंगे। हमारी जो इज्जत बनी हुई थी, पुरखों की इज्जत बनी हुई थी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आपसे हम थोड़े अलग हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। यानी बंसीधर ने बोल दिया कड़क आवाज़ में कि मैं ऐसी आपकी बातों कोई सुनना चाहता नहीं हूँ। आलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, पैरों के नीचे सिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धर्म ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट धरो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। यानी आलोपदीन ने अब दूसरा जादू चलाया। उन्होंने सोचा कि अब जमीन है मेरे पैर से खिसकती हुई देख लग रही है, इसलिए अपने धन का उनको अटूट विश्वास था।
अपने लक्ष्मी जी पर उनको अटूट विश्वास था, अपने सांख्यिक शक्ति का उनको जो पूरा भरोसा था, इसलिए मुख्तार को बोलते हैं कि लाला जी उनको 1,000 रुपया दे दो। ये कैसे है, भूखे शेर की तरह है, भूखे शेर होते हैं ना, तो कैसे शिकार करने के लिए अपने चपेट में ले लेता है, ऐसे वो है। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी बंसीधर ने बोल दिया, 1,000 क्या, 1,00,000 भी अगर मुझे आप पैसा दोगे ने तो भी मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं अपना ईमान बेचने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मुझे हटा नहीं सकेगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्ति में संग्राम होने लगा। धन के उछल उछल कर आक्रमण कर शुरू करने किए, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हज़ार की नौबत पहुँची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सन्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। यानी अब क्या हो गया, धर्म इस बुद्धिहीन देव दुर्लभ त्याग को वो दुखी हो जाते हैं, और फिर वो दोनों तरफ की शक्तियाँ, एक तरफ रिश्वत की शक्ति यानी लक्ष्मी जी की शक्ति, दूसरी तरफ ईमान की शक्ति, रिश्वत उछल कर वो देने के लिए सोच रहा है 5, 10, 15, 20, लेकिन यहाँ अलौकिक शक्ति, धर्म की शक्ति, वीरता की शक्ति, ईमान की शक्ति उनके सामने, ये जिनके पास था, ऐसे पर्वत की भांति वो अटल रहा, अविचल रहा, खड़ा रहा। उन्होंने बोला कि मैं अपना ईमान बेचूंगा नहीं। आलोपदी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। यानी आलोपदी ने अब निराश होकर बोल दिया, बस 20 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, उससे ज़्यादा मेरे हैसियत के बाहर की वस्तु है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह, मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले, बाबूजी साहब, ईश्वर के लिए कुछ दया कीजिए, मैं 25,000 निपटा करने के लिए तैयार हूँ। अब बंसीधर ने जमादार को बोला, ललकारा के बदलू सिंह, उनको गिरफ्तार कर लो। वो गालियाँ देते हुए 2-3 कदम जैसे आगे बढ़ते हैं बदलू सिंह, वैसे घबरा कर पंडित जी 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं कि बाबू साहब, आप भगवान के लिए मेरे ऊपर रहम कीजिए, मेरे पर दया कीजिए, 20 से मैं अब आपको 25,000 देने के लिए तैयार हूँ, असंभव बात है, 30,000 पर। यानी जब बंसीधर ने कहा ये संभव नहीं है, तब वो 30,000 देने तैयार हो गए, किसी तरह संभव नहीं है, क्या 40,000 भी नहीं, वो 30 से 40,000 देने के लिए तैयार हो गए। 40,000 नहीं 40,00,000 भाई असंभव है, बदलू से इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अब बंसीधर गुस्से में आ गए और बोल दिया कि 40,000 नहीं 40,00,000 भी नहीं, कि बदलू से इस आदमी को अरेस्ट कर लो, हिरासत में ले लो, अब मैं उनका एक भी शब्द सुनना चाहता नहीं हूँ। अपनी ताकत का पर्चा दिखाते हुए उन्होंने ये बात बता दी। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया, यानी धर्म जो होता है उनको धन को कैसे पैरों के तरह डाल दिया। आलोपदीन एक हृष्ट पृष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे, इससे बाद यथाकाय मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी जो दारोगा जी है, यानी जमादार जो है बदलू से, वो हथकड़ी लेके आते हैं, उनको हथकड़ी चढ़ा देते हैं, सारे लोग कतराते हुए देखते हैं। अब वो सोचने लगा कि जीवन में मेरी पहली बार ऐसी हालत हो रही है, इसलिए वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सब के मुँह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखकर वह पंडित जी के इस व्यवहार की टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप नष्ट कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग
रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवता की भ्रांति गर्दने चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ज्ञानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें इतनी व्याग्र नहीं होती, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। यानी दूसरे दिन जब सुबह होती है तब बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े, उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, एक ही बात सुनाई देती थी कि पंडित जी इतने बड़े आदमी आज वो दारोगा के हाथ में पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो संसार में से अब पापी का पाप नष्ट हो जाएगा। जो दूध पानी दूध के नाम से पानी बेचते थे वो ग्वाला भी अब डरने लगे। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग पैसा लेते थे वो डरने लगे। रेल में मुसाफरी, बिना टिकट की मुसाफरी करने वाले लोग भी अब डरने लगे। जो जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार लोग भी डरने लगे। अब ऐसा लगने लगा कि देवता का उदय हो रहा है और जो पापी लोग हैं उनका नाश हो रहा है। अब सुबह होते ही अभियुक्त कांस्टेबल जो थे वो पंडित अलोपदीन को हथकड़ियाँ चढ़ा के चल रहे थे। पंडित अलोपदीन का हृदय ग्लानी से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, उनकी गर्दन झुक गई थी, अदालत की ओर जा रहे हैं। तब गांव के, शहर के जो लोग हैं वो शहर के लोग, मोहल्ले के लोग, जिस मोहल्ले से गुजरते थे उनके लोग बाहर रोड पर लाइन लगा के उनके देखने निकले थे। यहाँ तक के छत पर लोग देखने के लिए खड़े हो गए थे, किंतु अदालत पहुँचने की देर थी। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, हमले उनके रुसेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार भी बिना मोल के गुलाम थे। यानी देखो, गांव के जो, शहर के जो बड़े बड़े जो लोग थे जब वो अदालत में पहुंच जाते हैं तब अलोपदीन क्या थे, एक शेर की तरह थे। अधिकारी वर्ग, अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके भक्त थे, क्योंकि आते ही उनको हाथ जोड़ने लगे। अमले जो लोग थे सेवक थे उनके, वकील जो थे, मुख्तार जो लोग थे, जैसा वो बोले वैसा करने के लिए तैयार थे। चपरासी चौकीदार जो लोग थे वो तो बिना मोल के गुलाम थे, यानी उनका काम करने के लिए वो हरदम खड़े रहते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो गए। यानी जैसे वो अदालत में जाता है तो ये वकील है, जो चौकीदार है, चपरासी है, वो सब उनके पास आ गए। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गया। वो लोग इसलिए नहीं आए कि अलोपदीन में बड़ा काम किया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए आए थे कि कैसे कानून के पंजे में फंस गए, क्योंकि वो कानून के पंजे में कभी नहीं फंसते थे, क्योंकि पैसे के बल से वह छूट ही जाते थे। यानी पैसा जितना मांगे उतना दे देते थे। ऐसा मनुष्य जिनके पास असाध्य साधना करने वाले धन और अन्याय बाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आ गए। यानी सब लोग सोचने लगे कि जिनके पास तो बहुत धन है, उनके पास तो अनन्य बाचालता है, वो कैसे कानून के पंजे में आ गए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से उनके आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों का एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र गवाह थे, किंतु लोभ के डोवाडोल, यानी सारे जो लोग थे उनके पास आ गए। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ धन है। सब लोग यानी वकील की एक फौज तैयार हो गई। उन्होंने पंडित अलोपदीन को कैसे बचाना है उनका एक रास्ता ढूंढ लिया। वंशीधर के पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास तो सत्य ही था, और सत्य जो होता है वही कभी दिखता नहीं है। अब उनके पास तो स्पष्ट भाषण भी नहीं था, शस्त्र भी नहीं था। अब सोचने लगे कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था,
परंतु उनके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल यहाँ पक्षपात है, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं कही जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और ब्रह्मात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्हें थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेत की बात है कि उनके उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक बलमानसु को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकम की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी न्याय देने के लिए जो न्यायाधीश थे, वो न्यायाधीश ने भी उन्होंने अपने पक्ष यानी जो सत्य था वो सत्य का पक्ष नहीं लिया, बल्कि जो वकील की फौज तैनात हो गई थी वो वकील की फौज ने ऐसा मुकदमा चलाया कि न्याय ने भी क्या है पक्ष बंसी यानी पंडित अलाउद्दीन की तरफ किया। डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट है, वो अपना न्याय सुनाते हैं कि जो पंडित अलाउद्दीन पर जो मुकदमा लगाया गया है बिल्कुल गलत है, ब्रह्मात्मक है, उसमें थोड़े पैसे के लिए लालच में आके पंडित अलाउद्दीन ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। हमें दुख है कि वंशीधर भी दोषी नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी नए दारोगा के रूप में लगे हुए हैं। शायद उनको ऐसे आदमी को चाटने में परखने में उनको शायद कुछ मुश्किल पड़ी होगी, इसलिए वो भी इतने दोषी नहीं हैं। अब वंशीधर को मैं चेतावनी देता हूँ कि आने वाले समय में अपने ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अपने आप पर कुछ नुकसान हो, और ये अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार काम करे आगे, और उसे भी होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा और उसकी लहरें ने अदालत की नींव तक खिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य एक एक संकेत उनकी ग्वाराग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधि, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। अब जैसे ही न्यायाधीश ने न्याय सुनाया तो जो वकील की फौज जो तैनात हुई थी वो सब खुश हो गए, और पंडित अलाउद्दीन वह अदालत से बाहर निकले। उनके स्वजन दोस्तों ने रुपया लुटाए, उनको उदारता का मगर समुद्र उमड़ पर ऐसा लगने लगा। उन्होंने अदालत की नींव हिला डाली थी। वंशीधर जैसे बाहर निकले तब सारे लोग उनके ऊपर व्यंग के बाण चलाने लगे। चपरासी अभी क्या पंडित अलाउद्दीन को सलाम करने लगे। उनके ऊपर सब लोग ये जो वंशीधर को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अब वंशीधर को अनुभव होता है, विचित्र अनुभव होता है, यानी विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ जो है वो कभी भी आदर के पात्र होती नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। सब लोग सोचने लगे कि वंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन से क्या है कि दुश्मनी मोड़ ली है, अब उनका तो मूल्य उनका चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने नौकरी से ही वो अपना हाथ धो बैठेंगे। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मौतली का परवाना आ पहुँचा, कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद व्यथित घर को चले गए, और एक ही सप्ताह नहीं हुआ और उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया। उस केस के अंदर वो हार गए और टूटे हुए हृदय से दुखी होकर वो अपने घर पे चले जाते हैं।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़कों को समझाना था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता रहा। हम तो कलवार कसाई को तकदे सहे बुढ़ापे में बकत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सुख तनखा, हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, घर पे चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। खेद है कि ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया। इससे थोड़ी ही दिनों के बाद जब मुंशी बंशीधर दुर्वस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया, बोले कि चाहता है कि तुम्हारे और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते अवश्य ही उनके क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अब बंशीधर ने, आपको मालूम है कि पंडित अलाउद्दीन से दुश्मनी मोड़ ली थी, उनका नतीजा यह आया कि बंशीधर को एक सप्ताह के अंदर ही नौकरी में से निकाल दिया गया। जब वो घर पे जाते हैं तब उनके पिताजी उनको कहते हैं कि मैंने मेरे बेटे को जाते वक्त बहुत कुछ सिखाया था, सीख दी थी कि बेटा ऊपरी आमदनी ले लेना चाहिए, कभी भी किसी से बैर मोंडा नहीं चाहिए। लेकिन हाय, उनकी बात सुनी होती तो ये तो ईमानदारी की बात चलने गया है। घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मंदिर में या मस्जिद में दिया जलना चाहिए। और वह आज उनको ऐसा लगने लगा कि पढ़ा लिखा मेरी कोई काम का नहीं है। उनकी दुरवस्था देख के पिताजी ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने सिर पीट लिया, मतलब वो दुखी हो गए। वो सोचने लगा कि मैं अपना सिर फोड़ लूँ, लेकिन क्या करें। जब वो बंशीधर घर पे आते हैं तब पिताजी उनके ऊपर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि न पूछो बात। आखिर बंशीधर ने घर छोड़ के बाहर चले गए, तब नहीं तो पिताजी उनके ऊपर टूट पड़ते। माँ की भी जो इच्छा थी कि चलो जगन्नाथ या रामेश्वर की यात्रा करेंगे, लेकिन अब वो भी हो पाएगी नहीं। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे पछे ही बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों के नीले धागे, सिंगे पीतल से जड़े हुए कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलाउद्दीन है, झुक कर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखाए। मुंह में तो काली लगी हुई है किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अब और एक सप्ताह बीत जाता है, संध्या का समय होगा। उसी समय बूढ़े मुंशी जी घर पे थे, वो अपने राम नाम की माला जप रहे थे। तभी एक सजा हुआ रथ आता है, गुलाबी पर्दे हैं, परछुए बेले हैं की जोड़ी है, गर्दनों पे नीले धागे लटके हुए हैं, पीतल से उनके सिंह लदे हुए हैं, और वह कई नौकर लाठियां लेके कंधे पे मुंशी जी के घर पे आते हैं। अब मुंशी जी देखते हैं, अरे ये कौन, तब देखा उन्होंने पंडित अलाउद्दीन है, यानी बूढ़े मुंशी जी ने तो उनको दंडवत प्रणाम किया और एक लल्लू पंजू की तरह वो बात गड़गड़ाने लगे और बोलते हैं कि मेरा भाग्य उदय हुआ है क्योंकि आप मेरे घर पर आए हुए हैं, आप तो मेरे पूज्य देवता है, आपको मेरा बेटा कैसे मुँह दिखाए। इस उन्होंने तो क्या पहले से ही कालिक यानी कोयले कालिक लगाई हुई है, मेरा बेटा जो है अभागा है, कपूत है, जिन्होंने आपसे मोह मोड़ लिया था। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान ऐसे पाप को निसंतान रखे जो ऐसी संतान दे। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब,
ऐसा न कहिए। अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत बोलो। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को क्या कहूँ? मुंशी जी कहते हैं कि ये संतान बुरी है, मैं क्या कहूँ? अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुष को कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। यानी पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका बेटा तो बहुत पुण्यशाली है, भाग्यशाली, आप तो भाग्यशाली हो कि जिनको ऐसे बेटा मिला है। जो बड़े अच्छे कर्म करते हैं उनको ऐसा बेटा मिलता है। पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीरों देखे हैं, हजारों उच्च पद अधिकारियों के काम करना पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। अब पंडित अलाउद्दीन वंशीधर से कहते हैं कि दारोगा जी, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम किया। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को अपने बल की हिरासत में ले लिया है और मैं खुद आज स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने बड़े बड़े लोगों को अपने पैसे के बल से परास्त कर दिए हैं, मतलब हरा दिए हैं। मैंने अपने पैसे के बल से बड़े बड़े लोगों को धन गुलाम बना दिया है, लेकिन आपको जब मैंने देखा तो सचमुच आप बड़े जो ईमानदार है, मैं आपके ईमानदार का दास बन गया हूँ। वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखकर उनके सत्कार किया, परंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्होंने अपने पिता की यह ठकुरा सुहाती की बात असह्य से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बात सुनी तो मन में मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने सब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हो। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है तो क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। यानी वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते हुए देखा तो उन्होंने उठकर सत्कार तो करते हैं स्वाभिमान के साथ, और वो सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति मुझे क्या है लज्जित करने के लिए आया होगा। लेकिन पिता की ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तब उनको बहुत दुख हुआ। और उनके जब पंडित जी ने ये बात बताई कि मैं यहाँ आपकी हिरासत में आया हुआ हूँ, आपको मिलने आया हूँ, तब वो क्या है सिर झुका के हुए बोलते हैं कि आप तो बहुत उदार है, मैं अभिनय हूँ, क्षमा कीजिए। उसी समय मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, आज आप बोलो आपका मैं दास हूँ। आप जो भी आज्ञा दोगे मैं आज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसी समय मैं दारोगा था, अभी नहीं हूँ। अलाउद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब अलाउद्दीन कहते हैं कि उस दिन जमुना नदी के तट पर आपने मेरी एक बात नहीं स्वीकारी, आज वो आपको स्वीकारनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ कि किंतु जो कुछ सेवा मुझमें हो सकती है उसे त्रुटि नहीं होगी। यानी वंशीधर बोलते हैं कि जो मेरे से जो कुछ सेवा करनी होगी ना, मैं उसमें कभी भी कमी करूँगा नहीं। अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसमें वंशीधर के सामने रखकर बोला, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। यानी उन्होंने एक स्टैम्प पेपर निकाला, स्टैम्प पेपर में उन्होंने बोला, ये पढ़ लो और हस्ताक्षर करो। आप जब तक ये स्टैम्प पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तब से मैं यहाँ हटूँगा नहीं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा और कृतज्ञता से आँख में आंसू भर आए। पंडित अलाउद्दीन ने उन्होंने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मैं उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसा उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूं। यानी मुंशी वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो वो खुश हो गए, उनकी आँखों में से आंसू निकलने लगे कि पंडित अलाउद्दीन के अपने जो जायदाद संपत्ति थी उनका स्थायी मैनेजर बना दिया था।
6,000 वार्षिक पगार था। रोजाना जो उनका खर्च था वो अलग से मिलेगा, सवारी के लिए घोड़ा मिलेगा, रहने के लिए बंगला मिलेगा, नौकर चाकर ये सब मिलेगा। और फिर बोला कि मैं आपका प्रशंसक हूँ, आपका उदारक हूँ, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। अलाउद्दीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। यानी उन्होंने अलाउद्दीन ने बोला कि आपने जो बताया कि मैं उन पद के योग्य नहीं हूँ, लेकिन अयोग्य मनुष्य की ही मुझे ज़रूरत है। यानी मैंने आपको बोला था कि जो बेईमान व्यक्ति भी यही चाहता है कि मुझे ईमानदार व्यक्ति मिलना चाहिए, ये बेईमान व्यक्ति की ईमानदारी की खोज हुई है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना है मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव है इन त्रुटियों की पूर्ति कर देना है। महान कार्य के लिए एक बड़े मर्म के अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अब वंशीधर गंभीर आवाज से कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, आप तो बड़े हैं, सज्जन हैं, सेवाधारी है, आप मेरे लिए सौभाग्य की बात बता रहे हैं। मुझ में तो विद्या भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अनुभव की बहुत कमी है, उनके पूर्ण मैं कैसे करूँगा। आप महान कार्य करने के लिए जो जा रहे हैं, ऐसा अनुभव मनुष्य की ज़रूरत होती है, मेरे पास वो नहीं है। अलाउद्दीन ने कमलदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझ में विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिनके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दरखास्त कर दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यह प्रार्थना है कि आप सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उड्डन कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बन रखे। यानी पंडित अलाउद्दीन ने कमलदानी से कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में रख दी और उन्होंने बता दिया, मुझे कोई विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी अनुभव व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो कार्य कुशल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, ये सारे गुण तो मैंने आपको उसी नदी के तट पर मैंने देख लिए हैं, आप वैसे ही बन के रहिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा आप वही धर्मनिष्ठ दारोगा बन के रखो। वंशीधर की आँखें डबडबा आई, यानी उनकी आँखों में खुशी के आंसू आ गए, हृदय में संकुचित पात्रता न समा सके। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति श्रद्धा की पुष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उन्होंने सोचा कि मेरे पर एहसान कर रहे हैं, फिर भी एक श्रद्धा और भक्ति से उन कांपते हाथों से वो क्या मैनेजर के साइन कर देते हैं। दोस्तों, अपना लेसन यहाँ ख़त्म करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। मैं बामणिया प्रवीण, मेरा फ़ोन नंबर है 9904198116। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करना, तब जब प्रत्यक्ष मिलेंगे तब क्वेश्चन आंसर और डीपली हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।